हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु कौशिक में आपका स्वागत है। तो गाइस, जिस चीज़ का था इंतजार वो घड़ी आ गई है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, दिखाती हूँ अभी आपको मम्मी क्या कर रही है। देखो, मम्मी ने कर दी है कार्रवाई शुरू। तो क्या कर रहे हो मम्मी? ये मैं बादाम भून रही हूँ ये देखो। और अखरोट मैंने भून वो काजू मैंने भून लिए। ये देखो, इधर दिखाती हूँ मैं आपको भुने हुए। ये देख सकते हो, ये काजू, मतलब पहले तो हमने ये ग्राइंड कर लिए थे ना मेरी मोटे मोटे। फिर ग्राइंड करने के बाद ये मम्मी ने घी में भून दिए पहले, और फिर इसके बाद अब भूनेगी मम्मी क्या, गोले। इसके बाद गोले भूनूंगी। ये गोले का बुरादा देखो कितना सारा है, ये पूरा गोले का बुरादा है। और उसके बाद इसमें है वे दाल मखाने, वो भी भूनेगी मम्मी। तो अभी आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहना व्लॉग में कैसे कैसे डालते हैं। फिर आप कमेंट करके बताना कि आप कैसे डालते हो। तो मैं अभी टब को साफ कर देती हूँ, क्लीन करके इसको सुखा देती हूँ, फिर इसमें मिक्स करेंगे सारा। सर्दियों की बनाने लग रहे हैं डिश, बेसन के लड्डू। मम्मी यो मैं ना भूलियो ना, कड़ा कड़ा हो जाएगा, जो ऐसे ही डाल दूंगी।
आलू बन जाएगा मम्मी। गैस बंद करी है मैं, घूमने लगा हूँ बता। ये तो आपके साथ ना इंसाफ। मैं घूम घूमते हुए तो घूमता ही कौन है? तो ये देखो गैस मिला दिए इसमें खांड, और ये भर-भर का सामान बनाएगा ये, 3 महीने का राशन बन जाएगा ये। अरे इतने और बनेंगे भी तो? तो भी उसने टाल मारो पहले ये खा लो। पहले इतने मोटे हो रहे हैं हम तो, पहले उनकी सोचा है और मोटे और इतने थक फूके जाओ सारे दिन। कह रहे कल इसके पापा मैं तो ये 1 तारीख तक ना अपना गैस सिलेंडर लेते रखूंगा। क्यों ना उसको मेरा था बताने, 1 तारीख तक फिर अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा मैं। अच्छा कर देगा पर मकई लड्डू बना ले इनने कौन खावा। मैं काम में निपटा ले देखी जाएगी उनको। तो यो टम्बर के बन जाएगा गाइस सामान, अभी बता दा बाकी है आधा बनाऊंगे फिर बाद में वो भी दिखाऊंगे आपने क्या बना रही। ये तो हम बना रहे हैं बेसन के लड्डू, सर्दियों का माड़ा मसाला कुछ बना लेते कुछ फिर बनाऊंगे। यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और इसमें हमने बहुत सारा सामान डाल दिया है। ये लगा लो 2 किलो तो हम लेके आए थे चने और वो पीस के डाल ले। उसके बाद फिर इसमें 1/2 किलो दाल मखान, 1/2 किलो या पता नहीं 1 पाव थे कितने मम्मी को पता है एग्जैक्ट, तो दाल मखाने भी डाल ले, फिर गोले भी डाल ले बहुत सारे गोले जो मैंने आपको दिखाए भी थे उनका बुरादा। और उसके बाद फिर काजू और बादाम डाल ले 1/2 किलो तो ये लगा लो, और 2-3 किलो हमने खांड डाल ली। बहुत सारा सामान हो गया था ये तो, मैं यहाँ मिक्स कर रही थी, मम्मी गरम कर करके घी डाल रही है तो देखते हैं कितना घी, 3 किलो के लगभग तो घी भी पड़ जाएगा इसमें। तो फिर हमने ये सर्दियों के लिए बना दिया, तो हम तो हर बार बनाते हैं, आप पता नहीं बनाते हो या नहीं जी, जिसके घर में बनते हैं आप बताना कमेंट करके आप किस तरीके से बनाते हो। तो हम तो ये भुने बनाए चने लेके आए थे, इनको भूनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो आगे गाइज आपको दिखाती हूँ और ब्लॉग को पूरा कंटिन्यू जरूर देखना, तब आपको पूरी रेसिपी सी पता चल जाएगी और आप भी अपना इस तरीके से डाल सकते हो।
हमारे तो किसी गप्पे में भी काजू बादाम ना दे किसी ने बोले ना गिरा तो तू अलग बन जाता तू बोले कितना काजू बादाम किसे को किसे के बिना थे आप आपके के कोई ना डाले था कोई ना किसे पैसे ना थे दुनिया दूर गरीबी इतनी थी ये पैसे घुमाया है पैसे बिछा दुनिया मेरे काजू बादाम में खा है नहीं
तो ये देखो गाइस बना दिए हैं बहुत सारे लड्डू। तीन महीने का कि दो महीने का राशन हो गया है ना मम्मी? बताइए इतने और बनाएंगे ना? मैं कभी थोड़े बनाऊंगी, इतने ना बनाऊंगा। कितना लाए थे हम गुंदा देख लो, तीन पाक होते आप तो। ये देखो गाइस बना दिए प्रात भर के लड्डू कि मैं मोटे हैर कि मैं और मोटे हो जाएंगे खूब। खा खा कर मम्मी ने कर दिया है घी का कल्याण स्तु है ना भी। तो हमारा तो राशन पानी बन गया है, आप बता दियो आपका बन गया कि नहीं बन गया? ना बना, जिसका बना लियो अपने ना जी मरखन। बारह हम गए थे, इतना बड़ा किराया लगेगा इतनी दूर तक? तो अपने घर पर बनाओगे तो सारी फैमिली खा लेगी, बारह मारा आऊंगे तो एक आदमी खा के जाएगा। आ जाओ और ले जाओ। ले जाने के क्यों करोगे? आपके खाने पे फिर मरते के बच्चे बोले खवा भी जाएंगे दे भी जाएंगे तो और बना लेंगे। चलो भाई दिल बढ़ाना चाहिए और बना लेंगे हम तो। आप आ जियो, जिसने भी खाने और ले जियो और आ जियो खा जियो। वीडियो देख के बाजी आऊंगी फिर तब देख लेंगे। बनाया करेंगे दोनों शॉर्ट्स बनाया करेंगे, फेमस हो जाएंगे फिर हम। हैं घाघरा दामन कुर्ता दामन दिमाग लाऊंगे कि ना मार्केट में जाएंगे जब वो मिले ना है तो स्पेशल मिले लगे भी। चलन हो रहा है कि जाओगे कल? क्या होया, क्या दिक्कत हुई? फिर बाबू चिल्लावे या अपने आप तो क्या दे है अगले का ना जमने और फिर ना ले जावे थे पापा को। ऐसे कैसे हुआ मम्मी? इब तो गए थे कब तक पहले? आज मम्मी उदास हो रही है पापा बता दी। गाइस तो आज मेरी माता श्री हो गई है थोड़ी सी उदास, तबीयत हो गई है डाउन। कहाँ दिखा लाऊंगी? आप क्या सोचो मेरे पेंडर छूट जाएगा? आप क्या सोचो मेरे पेंडर छूट जाएगा? ले जानते है इसी बात ना सुने। लड्डू बना दिया आपके लिए। हाँ गाइस मैं खा लूंगा सारे के सारे खींच के। वे आपके नाम के बनाए मम्मी ने? नूना है कि मैं जिम्मे जान लगे तो मैं लड्डू ना खाऊं? बन तो ये लगा लो, टाइम हो गया है रात के 10 बज गए हैं। और किस किस के वहां पे भाई ऐसा होता है आप कमेंट करके बताना। ये देखो आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखो दिखानी शायद, हाँ अब दिख गया। देखो रात को 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है और फिर भी हस्बैंड कह रहे हैं कि चाय बना के लिया बताओ।
रोटी वगैरह खाने के बाद कौन चाय पीता है, लेकिन इनका मन था तो इन्होंने बोल दिया कि चाय बना ला, फिर मैंने बना दी चाय। तो गाइज आज के व्लॉग में आपने देखा कि हमने बनाए हैं बेसन के लड्डू, चने के लड्डू। तो वो कैसे बनाए मैंने आपको दिखा दिया। पहले सारे ड्राई फ्रूट हमने कर लिए थे फ्राई, उसके बाद फिर सारी चीजें मिक्स करके और हमने बनाए आज लड्डू, और इतने लड्डू बना दिए कि 2-3 महीने का राशन बिल्कुल फुल है, स्टॉक हो गया है। तो गाइस जिसने नहीं बनाए हैं वो भी अपने अब घर पे बना लेना, और सर्दियों की ये फेवरेट डिश है और इसको एंजॉय कर लेना, क्योंकि हम तो आपने बताई है कि मैंने सब लोग में दिखा रखे हैं, हस्बैंड भी और सब दिखा रखे हैं, हम तो सब है मोटे मोटे। और मम्मी ने ऊपर से डाल दिए लड्डू, मैं बना कर दी थी लेकिन मम्मी बोली नहीं सर्दियों में तो बच्चों को खाना ही है ये, और भी मोटे हो जाएंगे अब लड्डू खा खा के, नहीं खाएं। अब घर में बनते हैं, दिखते हैं तो खा नहीं भी पड़ते हैं, खाई भी जाते हैं अपने आप ही मन करता है खाने का, तो ऐसा ही है। तो करती हूँ इस व्लॉग का ही पर एंड, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, यू एंजॉय, और आप भी अपना अपने बच्चों के लिए, वैसे तो ये हेल्दी होती है क्योंकि मम्मी ने बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं इसके अंदर, हम ये लगा लो क्या नाम काजू बादाम और ये दाल मखाने गोले सब कुछ बहुत अच्छे से डाला, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट डाले हैं मम्मी ने। तो ये वैसे तो बच्चों के लिए सेहत के लिए अच्छा ही होता है, ये जरूरी नहीं है मोटापा, लेकिन अंदर से जो वीकनेस होती है वो भी तो कम करनी जरूरी होती है, तो इसलिए फिर हमने बना लिए हैं। और आगे ज्यादा ठंड होगी तो बच्चों के लिए गाजर का हलवा भी बना देंगे घर पे ही। तो ओके गाइज, मैं एंड करने के बाद फिर बातें करने लग गई आपसे, तो चलिए हस्बैंड को दे देती हूँ अब चाय छान के, और मैं कर रही हूँ इस व्लॉग का यहीं पर एंड। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो भी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ये सपोर्ट बनाए रखें, और व्लॉग को पूरा वॉच जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो ओके गाइज, बाय बाय, यू टेक केयर, गुड नाइट।